ये है मेरे पास हीरो HF डिलक्स BS6 FI बाइक। यहाँ पर आज तक आपने ऐसी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं देखी होगी, आप यहाँ पर खुद ही इसकी साउंड सुन सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये बाइक कर रही है, देखिए। जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा झटके मार के चल रही है, देखिए इसी तरीके से ये चल रही है। मैं एक्सीलेटर देता हूँ, तो ये इस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ये कस्टमर को जो है आज सुबह से ही परेशान कर रही है। तो आज सुबह सुबह जो हूँ अभी मैं दुकान पे आया हूँ और कस्टमर जो है इसको मेरे पास ऐसे ही लेके इसको आया है। तो मैंने जैसे ही इसको स्टार्ट करके देखा, इसकी ड्राइव मारी, तो ये इस तरीके से कर रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से आई है। तो यहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है देखिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो है कस्टमर ने इसकी सर्विस कराई थी एजेंसी में। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको सीन दिखाता हूँ ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर क्यों आई है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए जो मैंने आपको रीजन दिखाया, अगर हमारी कोई भी बाइक होती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जब इस तरीके से ये एयर जब लीकेज होने लगती है, जो हमारा मैनिफोल्ड होता है यहाँ से जो इसका हाउस पाइप फट जाता है या आगे से कुछ एयर लीकेज करने लगती है, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है, जिसके चलते इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये क्यों है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए देखा आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार्ट कैसे हो रही है। भाई स्टार्ट तो यहाँ पर जो इसमें इंजेक्टर लगा है ना, यहाँ पर ये इंजेक्टर के लगने से स्टार्ट हो रही है। अगर जैसे कि हमारी पुरानी बाइक होती तो वहाँ पर इस बॉडी से जो है कार्बोरेटर से जो है यहाँ से पेट्रोल जाता, तब वो स्टार्ट होती, और वो स्टार्ट नहीं भी होती क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल पीछे से आता। अब यहाँ पर ये जो एयर है यहाँ पर कम ज़्यादा हो रही है और पेट्रोल तो इसको यहीं से मिल रहा है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा और इसको आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। देखिए ऐसे फॉल्ट एक से एक आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी बाइक आ जाती है BS6, आपने कोशिश करनी है उसको ठीक करने की। मैं आपको जो भी दिखाऊँगा ना बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। ये बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। बाइक आप देख लें यहाँ पर 4,350.8 किलोमीटर चली है और पेट्रोल भी इसके अंदर फुल है, ये भी नहीं है कि पेट्रोल कम है, देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर बिल्कुल लाइव आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्ट करके। देखिए यहाँ पर मैं दूसरी साइड में जाता हूँ, तो अभी मेरे पास यहाँ पर कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से ठीक हो गई। अब यहाँ से क्या करना है, हमने इस पेंच को यहाँ से जो है लूज करके इसको सेट करना है। फिलहाल मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास सक्रिय ड्राइवर नहीं है, मैं इसकी ट्राई मारने के लिए ही यहाँ पर आया था। अब देखिए यहाँ पर मैं इसमें एक्सीलेटर देता हूँ, देखिए अब हमारी बाइक बिल्कुल ओके हो गई। देखिए तो ऐसे से फॉल्ट आ जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी बाइक आ जाती है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम करती है मिसिंग से लेकर, तो आपने उसको जरूर चेकअप करना है, और सबसे पहले आपके पास एक ओबरी स्कैनर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए इसमें कोई चेक इंजन लाइट से लेकर तो प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसके अंदर सिर्फ ये इस तरीके से कर रही थी जो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर ये इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है यहाँ से निकली हुई है, तो इसको मैं सेट करके यहाँ पर इसको फिट कर दूंगा। तो इसके अंदर ये एक छोटी ही जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।